पीएम मोदी की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी हो रही है। आज पूरी दुनिया में पीएम मोदी को विश्व नेता के तौर पर देखा जाता है और अब तो पीएम मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जिन्होंने फिलिस्तीन की सरजमी पर कदम रखा है। जी हाँ, आज फिलिस्तीन पहुँचे पीएम मोदी को ऐसा ग्रैंड वेलकम मिला जिसे देखकर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की तो वहीं ग्रैंड कॉलर सम्मान देकर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। इसके बाद पीएम मोदी को राष्ट्रपति हेडक्वार्टर में अल मुकातक कंपाउंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तो वहीं रामलला पहुंचते ही पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति यासर अराफत की मजार पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी के फिलिस्तीनी दौरे से दोनों ही देशों को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि एक और जहां दोनों देशों के बीच अहम समझौते होंगे तो वहीं शायद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आई दरारों को पीएम मोदी कम करने में कामयाब हो सकेंगे।